हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ गत्ते कार्डबोर्ड जितने बोलते हैं वो रखे हुए थे। तो मैंने कुछ वीडियोज़ में ना ये देखा था कि वो कार बना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने कार बना के दिखाई, तो मुझे अच्छा लगा कि तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करके देखूँ। तो मैंने ट्राई किया कार बनाने का, तो मैंने आप इस वीडियो में आपको वो दिखाऊँगा मैंने कैसे कार बनाई है, और मैंने थोड़ा ये भी कोशिश करा है कि मैं मतलब किस तरीके से वो बनी है वो भी आपको दिखा पाऊँ। तो शायद फिर भी इतने अच्छे से ना हो पाया हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको मैं वो दिखाऊँ। तो आप देखना कि कार कैसी बनी है, वो तो आप ही बताओगे कि कार अच्छी बनी है या नहीं। वो तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की अच्छी बनाने की। तो दोस्तों, इस कार को बनाने में मुझे पूरा एक दिन लगा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि वो कैसे बनेगी। तो मतलब मुझे काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा, और इसकी जो मैंने कटिंग वगैरह की है तो उसमें काफ़ी टाइम लगा करने में, उसके जो मैंने पहिए बनाए हैं उसमें भी बहुत वक्त लगाया उसकी कटिंग करने में, उसको बनाने में। तो मुझे काफ़ी समय लग गया था बनाने में, लगभग 12 घंटे मुझे टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने लगातार नहीं बनाया पर कुछ मतलब टाइम दे देकर बनाया, तो इतना वक्त मुझे लग गया था। तो आप कार देख के बताओ कि कैसी बनी है। तो हमारी फैमिली को कोई ऐसे उससे लगाव नहीं है कि वो वापस आए। अगर वो वापस आती भी है तो सरकार इसका निश्चय करेगा वो क्या कर रही है, उसका क्या कर रही है। आप इकलौते भाई नहीं लगा, क्योंकि आधे से ज्यादा आप राजस्थान में रहते थे, कभी आपको नहीं हुआ कि जो आपकी बहन है वो किसी से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, बहुत ज्यादा क्या है चैट कर रही है, इस तरीके की कभी आप लोगों को मन लगा दिया है कभी कुछ कुछ तो दोस्तों, इस वक्त टाइम 4 बज चुके हैं और यहाँ सब ये बैठे हुए हैं, लगभग तीसरा वक्त है। तो तीसरा वक्त आपको पता ही है कि सब अधिकतर इस वक्त चाय बना के पीते हैं। तो उधर मेरी छोटी बहन चाय बना रही है रसोई में, वो अंदर दिख नहीं रही होगी, तो अभी अब देखते हैं कि वो चाय कैसी बनाती है। तो बाहर आएगी तो आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर मेरी बहन चाय कैसी बना रही है। हमने ये बल्ब जलाया था, क्योंकि बल्ब नहीं जलाते तो इसमें अंधेरा रहता है। तो ये हमारी रसोई है कुछ इस तरह से, इधर ये सब यहाँ बर्तन का सब रखा हुआ है, और ये सारे यहाँ जो रसोई के सामान वगैरह कुछ होते हैं ये सब यहाँ रखे हुए। और यहाँ ये हमारी बहन छोटी सी यहाँ चाय बना रही है, तो चाय आपको दिखाते हैं। तो अभी तो इसमें ये उबाल आना शुरू हुआ है।
तो दोस्तों मेरी छोटी बहन चाय बना के लिए आई है, और ये रही चाय, और ये अभी इसमें कर रही है, यहाँ बैठ जाता है खाना आराम से। तो चाय आप देख के बताओ कैसी बनी है, अच्छी बनी है या नहीं। और ये सेम मटर कुछ हमने घर पे ही बनाई थी। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देखिए, मैंने जो कार बनाई थी वो मेरी बहन चला रही है। सो इसको ना मतलब कार देख के अपना बचपन याद आ गया है। तो ये यहाँ ये कार चला रही है, और वो रही पीछे, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा होता है कि हम ये कार कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं तो बचपन तो याद आ जाता है अपना, क्योंकि हम बचपन से पहले ये चीज़ें बहुत चलाते थे। हमने भी बहुत चीज़ें चलाई हैं, ट्रैक्टर छोटे छोटे और रिमोट की गाड़ियाँ। तो पहले की बात ही और थी, अब तो खैर बड़े हो गए, अब तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं। तो देखते हैं अपने बहन की हाथ की चाय पी के कैसी बनी है। आपको तो बुझा ही नहीं, कोई बात नहीं। आप अब कुछ बना कर पी रहे हैं, चाय अच्छी बनी है। माँ का प्यार, ये तो माँ का प्यार है, ये तो इसकी कोई तुलना नहीं है। तो दोस्तों कार आपको कैसी लगी, उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आई होगी, क्योंकि मैंने इतने मेहनत से बनाई है तो आपको पसंद तो ज़रूर आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।